बात कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक दिल्ली में, आज हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक, शीर्ष नेतृत्व के साथ हरियाणा बीजेपी की बैठक होगी। हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और चुनाव सह प्रभारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सीएम नाथ सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बैठक में मौजूद रहेंगे। तो पंचकुला में होने वाली प्रदेश कार्यकारिणी बैठक को लेकर भी चर्चा होगी। शीर्ष नेतृत्व के साथ हरियाणा बीजेपी की बैठक। तो सीएम नाथ सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे। पंचकुला में होने वाली प्रदेश कार्यकारिणी बैठक को लेकर भी चर्चा। दिल्ली में आज हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक। तो शीर्ष नेतृत्व के साथ हरियाणा बीजेपी की बैठक होगी। हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और चुनाव सह प्रभारी मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी की अहम बैठक है। पंचकुला में होने वाली प्रदेश कार्यकारिणी बैठक को लेकर भी चर्चा होगी। दिल्ली में आज हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक। तो शीर्ष नेतृत्व के साथ हरियाणा बीजेपी की बैठक होगी। हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और चुनाव सह प्रभारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो सीएम नाथ सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस दौरान मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी की ये अहम बैठक है। तो दिल्ली में आज हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक, शीर्ष नेतृत्व के साथ हरियाणा बीजेपी की बैठक होगी। हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और चुनाव सह प्रभारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सीएम नाथ सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बैठक में मौजूद रहेंगे। पंचकुला में होने वाली प्रदेश कार्यकारिणी बैठक को लेकर भी चर्चा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी दिल्ली से अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, बीजेपी की ये अहम बैठक रहने वाली है, कौन कौन मौजूद रहेगा और ये भी बताइए कि इस बैठक में क्या कुछ खास रह सकता है? बिल्कुल देखिए साधना, अहम बैठक आज होने वाली है, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की अहम बैठक होने वाली है। हम कह सकते हैं कि जो बैठकों का दौर है वो और भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है, जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। तो आज बिल्कुल आज एक अहम बैठक होने वाली है, शेष नेतृत्व के साथ बैठक की जाएगी। केंद्रीय मंत्री या मौजूद रहने वाले उस बैठक में। अगर हम हरियाणा के लिहाज से बात करते हैं तो हरियाणा के भी जो सीनियर लीडर्स है, यानी अगर बात की जाए मुख्यमंत्री के भी जो सीनियर लीडर्स है, यानी अगर बात की जाए मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी की, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की बात करते हैं, विप्लव देव हो जाएंगे धर्मेंद्र प्रधान प्रभारी सह प्रभारी चुनाव सह प्रभारी, तमाम इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि और भी कुछ वरिष्ठ नेता हरियाणा के इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। देखिए क्योंकि विधानसभा चुनाव में समय बहुत कम रह रहा है, तो किस तरीके से क्या रणनीति रहने वाली है, इन सभी चीजों को लेकर इस बैठक में डिस्कस किया जाएगा। और साथ में देखिए हमने एक और चीज देखी थी कि कुछ समय पहले भी एक बैठक हुई थी बीजेपी कार्यालय में, ये बैठक की गई थी जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह साथ ही जेपी नड्डा कर रहे थे। तो हमने देखा था किस तरीके से वहां भी बैठक हुई थी। उसके बाद फिर एक और जो हम कह सकते हैं कि महासम्मान समारोह भी यहाँ पर किया गया था, रोहतक में किया गया था। उसके बाद कहा जा रहा है कि 29 तारीख को भी एक अहम बैठक होने वाली है, विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की पंचकुला में एक अहम बैठक होने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि उस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि उस बैठक से पहले एक और बैठक की जा रही है और जो जो चीजें इस बैठक में डिस्कस की जाएगी उसे प्रेजेंट किया जाएगा 29 तारीख को जो पंचकुला में बैठक होने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बैठक होने वाली है आज शाम को होने वाली है, मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी मौजूद रहने वाले हैं, साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहेंगे, साथ ही काफी वरिष्ठ नेता अगर बीजेपी की बात करते हैं तो शेष नेतृत्व भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, अपराजिता आपने जानकारी दी है कि पंचकुला में जो बैठक होगी प्रदेश कार्यकारिणी की उसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो ये बताइए कि जो पंचकुला में बैठक होने वाली है उसमें क्या कुछ रहने वाला है अपराजिता, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या उस बैठक को देखा जाए? जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव को लेकर ये तमाम बैठकें की जा रही है, पंचकुला को भी 29 तारीख को जो बैठक होने वाली है उसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहने वाले हैं। वो बैठक भी काफी अहम रहने वाली है, विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां तय की जाएगी, क्या चीजें रोडमैप रहने वाली है, किस तरीके से किसे क्या काम दिया जाएगा, किस तरीके से बूथ लेवल तक पहुंचना है, वो तमाम चीजें उस बैठक में चर्चा की जाएगी। हालांकि आज भी चर्चा की जाएगी तो जो चीजें यहाँ पे चर्चा की जाएगी, जो डिस्कशन किए जाएंगे, उन सभी चीजों को हम उम्मीद कर सकते हैं कि 29 तारीख उन सभी चीजों को प्रेजेंट किया जाएगा। करीब कहा जा रहा है कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो सभी
उसमें मौजूद रहने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो जो बैठक होने वाली है वो काफी अहम रहने वाली है। एक तरीके से जितने भी जो लीडर्स हैं, जितने भी हरियाणा बीजेपी लीडर्स हैं, उन्हें एक तरीके से दिखाई जाएगी चीजें कि किस तरीके से क्या काम रहना है सभी चीजों को लेकर। तो काफी अहम वो पंचकुला वाली बैठक भी 29 तारीख को रहने वाली है, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो। जी बिल्कुल प्राजिता, आप नजर बनाए रखिएगा, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे और अगली खबर पर जानकारी लेंगे। तो देखिए अभी फिलहाल आप देख रहे होंगे कि बीजेपी जो है काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है, चाहे वो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर हम देख लें, चाहे वो बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। पंचकुला में भी एक बैठक होने वाली है, वो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो बैठकों का दौर जो है वो बीजेपी में लगातार जारी है।